सो बेसिकली जब हम ट्रैक्शंस का बात करते हैं और इसमें जो हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम एंड लेटेस्ट ट्रेंड्स और प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इंडियन रेलवेज हाई स्पीड ट्रैक्शन, ठीक है, हाई स्पीड ट्रैक्शन। नॉर्मली ट्रैक्शंस का डेफिनेशन क्या कहा जाता है, मैंने ऐसे उस दिन भी शॉर्ट वे में कहा था, लेकिन जो भी है आज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो इसीलिए इसको समझना है कि ट्रैक्शंस का मीनिंग क्या होता है, ट्रैक्शंस का मतलब क्या होता है ना। जैसे ये हम लोग क्या देख रहे हैं, एक फिगर दिए हुए ट्रेन का फिगर इसीलिए दिए हुए क्योंकि हम लोग को रेलवेज के बारे में ही ज्यादातर यहाँ पर फोकस करना है, ठीक है। तो ट्रैक्शन, ये जो वर्ड आ रहा है ट्रैक्शन, ये ट्रैक्शंस का मतलब है क्या, तो मैंने उस दिन कहा था कि कोई भी चीज को जो हम पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, वो हो सकता है कि स्टीम इंजन से खींच रहे हो सकता है कि मैन पावर से खींच रहे हो, है ना। तो ये जो डिफरेंट जो हम लोग ट्रैक्शन का बात करते हैं, कोई भी एक ट्रैक में कोई चीज को जब हम लोग रन करा रहे हैं, कुछ भी पावर दे करके, कुछ भी उसमें हम लोग फोर्स दे करके, तो वो कहलाता है ट्रैक्शन। वो क्या कहलाता है, ट्रैक्शन, ठीक है। लेकिन यदि हम बात करेंगे कि नाउ ए डेज यू नो दैट, हम लोग जानते हैं कि अभी जो ट्रैक्शन सिनेरियो है वह अभी रिप्लेस हो गया है इलेक्ट्रिसिटी से, जिसके कारण हम लोगों का जो इम्पोर्टेंस अभी जो इंजन आएगा मोटर ले लिया, ठीक ना। पहले तो सिंपल स्टीम इंजन होता था जिसमें हम लोग कोयला डालते थे और जो कि हम लोग का ट्रेन सब का मूवमेंट होता था, ठीक है, जो हम लोग बात करेंगे कि अर्लियर डेज में, अर्लियर में हम लोग का जब चलता था। लेकिन अभी हम लोग का पूरा फोकस रहेगा ट्रैक्शन, रेलवे ट्रैक्शन, इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में चले, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का मतलब ही हम समझ रहे हैं कि सिंपल है कि क्या होता है, द सिस्टम विच यूजेज इलेक्ट्रिकल पावर, ऐसा सिस्टम जो इलेक्ट्रिकल पावर को यूज करे। तो इलेक्ट्रिकल पावर समझ में आ ही रहा है कि कैसे हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग का जो ये जो सब्जेक्ट है और ये जो हम लोग का टॉपिक जितना सिलेबस पढ़ना है, अब जहां से हम इलेक्ट्रिक का बात करेंगे तो मोटर आएगा, कैसे पावर का कन्वर्जन कैसे करेंगे आएगा, एसी मोटर है कि डीसी मोटर है, और सिंगल फेज पावर है कि थ्री फेज पावर है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो रेलवे में हम लोग देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, दिस सब्जेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरव्यू पर्पस। और खास कर यदि रेलवे वेलवे का नौकरी यदि आ गया वैकेंसी, तो ये तो तुम सोच के रहो कि ये ट्रैक्शन जो अच्छे से पढ़ लिया ना, बस इसी के बल पे इंटरव्यू इंटरव्यू निकल जाएगा, इसी के बल पे। तो ये सब्जेक्ट को बहुत हल्के से नहीं लेना है, इसको थोड़ा अच्छा से पढ़ना होगा, बहुत मन लगा करके इसको पढ़ना होगा। तो इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन का जो डेफिनेशन आता है, द सिस्टम विच यूजेज इलेक्ट्रिकल पावर फॉर ट्रैक्शन सिस्टम दैट इज फॉर रेलवे ट्राम्स ट्रॉली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि जो अभी रेलवे में हमेशा देखते होंगे कि ऊपर में वन वायर रहता है, टू वायर रहता है, पेंटोग्राफ रहता है, तो सब कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे। आज का क्लास बेसिकली इंट्रोडक्शन ही क्लास है, इसमें एक्चुअल में हम लोग जो बेसिक टॉपिक सबको समझेंगे कि हम लोग का प्रेजेंट इंडिया में क्या सीन है, इंडिया में कैसे हम लोग का हाई स्पीड ट्रेन है, मीडियम स्पीड ट्रेन है, हम लोग जो नॉर्मली जो ट्रेन हम लोग का चलता है वो किस स्पीड रेंज में आता है, वो जनरली नॉर्मल स्पीड रेंज में आता है। और इंडिया में यदि हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन का, सबसे जो मेजर है वो क्या है, रेलवे है, ट्रांसपोर्टेशन का जो है वो रेलवे है, ठीक ना। और इलेक्ट्रिसिटी मतलब जितने भी सारे अभी स्टीम इंजन है वो सारा चीज से रिप्लेस होकर के हम लोग का इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है। और बेसिकली जो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर थ्री फेज, बेसिकली थ्री फेज मोटर्स भी तो आ रहा है ना, तो थ्री फेज पावर भी होगा। सो यहाँ पर जो इंडियन रेलवे का हम लोग जो बात करते हैं, ठीक है ना, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वर्ल्ड में, ठीक ना, फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है, ठीक ना, इंडिया में। इंडिया जो है, इंडिया को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो इंडिया है हम लोग का वो क्या है, रैंक्ड, ये सब भी जानना जरूरी है, रैंक्ड इन द वर्ल्ड एज फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क। ठीक है, हम लोग का बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है, डिपार्टमेंट वो संभालता है। सो इंडियन रेलवे का ट्रैक्शन सिस्टम जो है बेसिकली
1.5 KV DC अराउंड मुंबई से तुम्हारा, और 25-25 KV AC, ठीक है, जो यूज होता है हम लोग का जो पूरा कंट्री में। बेसिकली हम लोग ये 25 किलो वोल्ट, 25,000 वोल्ट AC का यूज करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना। तो ये सब क्यों यूज करते हैं 25 KV, ये सब धीरे धीरे तुम लोग को समझ में आएगा। आज टुडे जो है जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास है। AC इज यूज्ड, ठीक है ना, 25 KV AC। ये तुम्हारा जो AC का बात करते हैं, बेसिकली हम लोग जो रेलवे है वो AC ही हम लोग यूज करते हैं, और 25 KV, 25,000 वोल्ट जो होता है यूज करते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे कि पावर का कन्वर्जन कैसे कैसे होता है, पावर का कन्वर्जन, ठीक है ना। 25 KV से हम लोग कैसे लेते हैं, कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग का मोटर को चलने के लिए तो कम वोल्टेज चाहिए, तो 25 KV ही क्यों लेते हैं, कम से भी तो चला सकते हैं, इतना हाई वोल्टेज लेने का क्या मीनिंग है ना। ओवरहेड में जो हम लोग वायर लेते हैं तो ये 25 KV क्यों लेते हैं, कम भी ले सकते हैं, तो ये सब का इम्पोर्टेंस क्या है, एडवांटेज क्या है, ये हम लोग धीरे धीरे सारी चीजों को पढ़ेंगे। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है इंडियन रेलवे में, अच्छा इंडियन रेलवे यदि हम लोग बात करेंगे इसका हिस्ट्री, यदि रेलवे का हिस्ट्री का यदि हम लोग बात करते हैं, तो किसी को पता होगा कि हम लोग का जो रेलवे इंडिया में स्टार्ट कब हुआ था। यदि इसका क्वेश्चन का यदि हम लोग बात करेंगे तो इसका जवाब मिलेगा 1853। 1853 ब्रिटिश से ही, ब्रिटिश में ही चलाए थे, सबको पता है ना, जो कि सबसे पहला चला था कहाँ, यहाँ मुंबई, मुंबई मुंबई से क्या नाम था शहर का, ठाणे, मुंबई टू ठाणे। सो हिस्ट्री क्या है, 1853 में फर्स्ट रेलवे स्टार्ट किया जो कि मुंबई टू ठाणे, और ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक इंजन तो नहीं ही होगा, जो इंजन होगा वो तो सिंपल स्टीम इंजन होगा, जो इंजन हम लोग यहाँ पर यूज होगा वो स्टीम इंजन यूज होगा, स्टीम इंजन, ठीक है, जो कि अभी धीरे 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 टेक्नोलॉजी हम लोग का आ रहा है और हम लोगों का जो कि इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हम लोग का जो है कि लोकोमोटिव मॉडल जो है कि ये हिस्ट्री है, सिंपल जानना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है, ज्यादा इसमें हिस्ट्री उतना नहीं पढ़ना है, वो अपने से पढ़ सकते हो कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ है, ठीक है ना। तो यदि हम बात करेंगे इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे में जो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट इंडियन रेलवे इज करेंटली इंप्रूविंग देयर एग्जिस्टिंग कन्वेंशनल लाइंस टू हैंडल स्पीड्स अप टू 180 किलोमीटर पर आवर, माइल पर आवर, विथ सर्टेन इंप्रूव्ड कॉरिडोर सीइंग स्पीड्स अप मोर देन 200 किलोमीटर पर आवर। अभी हम लोग जो सुनते हैं ना कि रेलवे में ये रेलवे आएगा वो रेलवे आएगा, तो नॉर्मल यदि स्पीड बात करते हैं ना हम लोग, जो अभी जो नॉर्मली इंडिया में ट्रेन चलता है तो वो 160 किलोमीटर पर आवर से बिलो में ही चलता है, लेकिन सेमी हाई स्पीड ट्रेन और बहुत हाई स्पीड वाला ट्रेन, फास्टेस्ट ट्रेन भी हम लोगों का कुछ कुछ इंडिया में अभी जो चल रहा है, जैसे कि आज 2021 से द फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस, ये वंदे भारत एक्सप्रेस जो है विद टॉप स्पीड जो है उसका 180 किलोमीटर पर आवर, वाइल द फास्टेस्ट ऑपरेटिंग ट्रेन इन द गतिमान एक्सप्रेस विद टॉप ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर पर आवर। ये भी एक ट्रेन है, दो ट्रेन जो है कि 160 जो तुम्हारा उससे ज्यादा और जो 180 किलोमीटर पर आवर के बीच में चल रहा है। लेकिन यदि हम लोग बात करेंगे कि फास्टेस्ट ट्रेन मतलब बहुत फास्ट, तो वो 250 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होगा, ठीक है, 250 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होगा। तो ये देखो यहाँ पर कुछ, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूं, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ए रूट विच हैज ट्रेन दैट रन बिटवीन 160 एंड 200 किलोमीटर पर आवर इज कंसिडर्ड एज हाइयर स्पीड और सेमी हाई स्पीड रेल लाइन, व्हाइल द रूट्स विच हैव ए ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ लेस देन 160 किलोमीटर पर आवर आर कंसिडर्ड एज कन्वेंशनल रेल लाइन्स। So, ये जो एक यहाँ पर दिखाया गया है एक जनरल नॉलेज टाइप का, ये मान के चलो लेस देन 160 है, ये इसका लेंथ इतना इतना किलोमीटर तक फैला हुआ है,
ये सेकंड वाला जो है सेमी हाई स्पीड है, इसका रेंज जो होता है 160-200 के बीच में रहेगा, जो कि 6,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये अबव 200 किलोमीटर पर आवर, जो कि अभी डेवलप हो रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन में। क्योंकि हाई स्पीड ट्रेन जो बनाना पड़ता है बाबू, एक चीज बता देता हूँ, हाई स्पीड ट्रेन के लिए जो ट्रैक होता है, नॉर्मल जो ट्रेन होता है, नॉर्मल नॉर्मल ट्रेन और इसका जो ट्रैक, नॉर्मल ट्रैक को बनाने में खर्चा और जो हाई स्पीड रेल का जो खर्चा होता है, ये 1 किलोमीटर बनाने में, 1 किलोमीटर जो हाई स्पीड बनाएगा उसमें 100 करोड़ रुपया खर्च होता है, 100 करोड़, 100 करोड़, जो कि तुम्हारा नॉर्मल रेल से 10 गुना ज्यादा है, 10 से 15 गुना भी ज्यादा हो सकता है, जगह जगह पर डिपेंड करता है। ये हाई स्पीड रेल जो अभी डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, अभी 580 किलोमीटर बहुत ही कम जो है कि अभी डेवलप हुआ है। तो ये कुछ कुछ देखो अभी क्या है कि ये वाला बोले ना फर्स्ट क्लास, इसमें बस थोड़ा बहुत अभी जानना है, ठीक ना। अभी जो है हम लोग का जो हाईएस्ट स्पीड चल रहा है वो 200 से ऊपर 250 किलोमीटर पर आवर, वो किसके लिए, हाई स्पीड ट्रेन, वो सब जगह नहीं चल रहा है, ठीक है, अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन में ही है। और अभी जो हम लोग बात करते हैं बुलेट ट्रेन, ये ट्रेन, वो सब अभी कॉन्सेप्ट हम लोग का तो अभी धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है। तो उस सब के बारे में भी बताएंगे, जब कौन सा प्रिंसिपल पे सब हम लोग का काम करता है, ठीक ना। तो ये जो एक क्या बोल सकती है, सिंपल एक जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज समझ रहे हो कि बस अभी हम लोग समझ रहे हैं कि क्या क्या हम लोग का इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन में क्या क्या वर्ड है, क्या क्या ट्रेन का सिनेरियो है इंडिया में, है ना, उस सब के बारे में बस हम समझ रहे हैं। अब यदि हम लोग बात करते हैं कि सिंपल वे में मेट्रो रेल, ठीक है, मेट्रो रेल, मेट्रो में चढ़े भी हो और मेट्रो रेल को देखे भी हो, कुछ कुछ अंडरग्राउंड भी चलता है मेट्रो रेल तो, और कुछ कुछ जो है कि बाहर से भी चलता है। सबसे ज्यादा मेट्रो रेल जो है कि कोलकाता में जो है कि अंडरग्राउंड है, और सबसे पहले जो कलकत्ता में ही सबसे पहला मेट्रो रेल हुआ। लेकिन इस मेट्रो रेल का नाम समझ में आ रहा होगा कि मेट्रो रेल, मेट्रो सिटी में एक्चुअली ये सब का कॉन्सेप्ट था, इसीलिए इसको नाम मेट्रो रेल कहा गया। सो ये मोनो रेल का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज मोनो रेल, सबसे पहले डेफिनेशन को समझ लेते हैं। नाम से ही पता चलता, मोनो मतलब जिसमें एक ही पटरी हो, सिंगल, उसमें कोई डबल रेल का बात ही नहीं हो। मोनो का मतलब ही होता है क्या, जो वन मतलब एक ही रेल, इज अ रेलवे इन विच द ट्रैक कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल रेल और ए बीम, सिंगल रेल और ए बीम, सिंगल रेल और ए बीम, है ना। तो यदि फर्स्ट मोनो रेल का यदि बात करेंगे पूरा मतलब वर्ल्ड में, तो ये कहा था रसिया में, रसिया में, ठीक है ना, रसिया में ये टेक्नोलॉजी जो है कि सबसे पहले आया था, कब आया था, 1820 18। ये मोनोरेल एक्चुअली इस तरह से होता है, देखो मतलब ये एक ही पटरी रहेगा, एक ही पटरी रहेगा इस टाइप से, जो मतलब एक ही यहाँ पर रेल रहेगा, उसके बीच में ये जो है कि स्पीड से चलता है, ये मोनोरेल। इंडिया में मोनोरेल क्या कहीं पर अभी तक देखे हो, हम अभी तक तो मोनोरेल में नहीं चढ़े हैं, लेकिन मोनोरेल इंडिया में भी जो है कि मुंबई में जो है कि बन गया है, कुछ कुछ जगहों में जैसे पुल के नीचे उल्टा लटक के जैसे चलता है ना मोनोरेल में, उसका भी अभी दिखाता हूँ, एक फिगर शायद रखा हूँ। एक ही जैसे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है ना, कि जैसे ये है तुम्हारा, ठीक है, अब इसके साथ में ही तुम्हारा ये जो चल रहा है एक ही रेल में, ये उल्टा भी लटक के चलता है, ये जो ये पहिया यहाँ पर लटका हुआ है, ये पहिया यहाँ पर लटका, यहाँ लटका हुआ है, और ये जो है जैसे पुल के नीचे में, पुल के ऊपर में गाड़ी चल रहा है, यहाँ पर जो है कि गाड़ी घोड़ा जो भी है चल रहा है, अपना चल रहा है, और ये अपना ये नीचे से जा रहा है, ये नीचे से जा रहा है, ठीक है, ये अपना गाड़ी जो भी चल रहा है, और ये जो ये कॉन्सेप्ट है कि इसमें लटका हुआ है, लटका हुआ और ये ट्रेन जा रहा है, लटका हुआ है और ये ट्रेन जा रहा है, ठीक ना। अब मुंबई में है, कुछ जगहों में हुआ है, बना है मोनोरेल, ठीक ना। तो मोनोरेल का कॉन्सेप्ट जो है क्या है एक्चुअली, इस टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग को उतना नहीं जानना है अभी, क्योंकि हम लोग का जो टॉपिक है वो डिफरेंट है। हम लोग अभी बस जानना है कि ट्रेंड्स क्या है, टॉपिक को समझ रहे हो ना, कि लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या है ना, लेटेस्ट ट्रेंड्स अभी हम लोग का रेलवे का क्या चल रहा है। हम लोग ने देखा कि एक सिंपल टू दो ट्रैक पे चल रहा है,
एक हम अभी देख रहे हैं कि मेट्रो रेल तो चलता ही है, ठीक है। फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कि मोनो रेल का कॉन्सेप्ट आया है। सो मोनो रेल का कॉन्सेप्ट में जो टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है, टेक्निकली इसमें क्या है, तो मैंने जो अभी बताया है, जो यहाँ पर एक फिगर बनाया हूँ। सो मॉडर्न मोनो रेल जो होता है डिपेंड्स अपन लार्ज सॉलिड बीम एज द व्हीकल्स रनिंग सरफेस। इसे ये देख रहे हो ना, देखो ये वाला बीम यहाँ पर देखो, एक ही बीम है यहाँ पर, एक ही पटरी टाइप का बना हुआ है। देयर आर ए नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिंग डिजाइन डिवाइडेड टू ब्रॉड क्लासेस। एक स्ट्रेडल बीम होता है, एक सस्पेंडेड बीम होता है। ये वाला स्ट्रेडल है और ये वाला जो बता रहे हैं यहाँ पर, ये वाला सस्पेंडेड है। ये वाला क्या है? सस्पेंडेड बीम, सस्पेंडेड बीम है। दो तरह से होता है, एक तो सीधा चलता है और एक क्या होता है कि सस्पेंड होता है। सस्पेंड मतलब लटका हुआ, सस्पेंड मतलब लटका हुआ, जो तुम्हारा लटक के चल रहा है वो है तुम्हारा सस्पेंडेड, ठीक है, सस्पेंडेड। तो जर्मनी में सबसे पहला सस्पेंडेड का खोज हुआ था, ये वाला, ये जो देख रहे हो ना लटक करके, जैसे पुल है अपना चल रहा है, नीचे में देखो ये सब चल रहा है। ये ज्यादा लंबा लंबा नहीं चलता है, दो तीन डब्बा रहता है छोटा छोटा, मतलब ये सिटी टू सिटी ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्पीड रहता है, मतलब भीड़ भाड़ ट्रैफिक से बचने के लिए मोनोरेल, मतलब अपना ही सिटी में अपना ही टाउन में चलाने के लिए ये मोनोरेल जो है चलता है, ठीक है। और मोनोरेल्स बेसिकली इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन तो है ही फोकस। सो इसमें जो ये सस्पेंशन मोनोरेल जो है डेवलप्ड बाय जर्मन इन्वेंटर निकोलस ओटो एंड यूगेन लेगेन इन द 1818। ये जो मोनोरेल जो सस्पेंडेड वाला बात कर, ठीक है, सस्पेंडेड मोनोरेल, सस्पेंडेड मोनोरेल। तो कुछ कुछ इंडिया में भी अभी बहुत सारा प्रोजेक्ट चल रहा है ना, ये इंडिया में बहुत सारा प्रोजेक्ट चल रहा है, स्टार्ट हो गया है, करीब 11 से 10 प्रोजेक्ट जो है कि इंडिया में शुरू हुआ है, केरला मुंबई दिल्ली इस टाइप से, इस टाइप से बहुत सारा जगह जो है कि प्रोजेक्ट जो है मोनोरेल का भी चल रहा है। गवर्नमेंट इस पे बहुत ज्यादा इसमें खर्चा कर रहा है क्योंकि इसमें ट्रैफिक व्रैफिक से भी बचने का चांस हो गया है, भीड़ भाड़ भी नहीं होगा। मुंबई महाराष्ट्र चंडीगढ़ तमिलनाडु इस तरह से सिटीज में पुणे, ठीक ना। तो अभी जो है कि प्लानिंग चल रहा है, ये नहीं कि बन गया है, मतलब इसमें जो गवर्नमेंट है मिनिस्ट्री है इसमें सभी सर्च हो रहा है कि इसमें कहाँ पर हम लोग करेंगे। तो ये जो है कि लेटेस्ट ट्रेंड्स का मतलब ही जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ना, कि अभी हम लोग को पहला टॉपिक में समझना है कि रेलवे का सिस्टम्स में एक्चुअली क्या क्या हिस्ट्री और क्या क्या लेटेस्ट होने वाला है, कौन कौन सा टेक्नोलॉजी जो है कि हम लोग का भी ट्रेंड्स में होगा। तो ये मोनोरेल में जो पावर का यदि बात करते हैं ना, पावर तो ऑलमोस्ट ऑल मॉडर्न मोनोरेल आर पावर्ड बाई इलेक्ट्रिक मोटर्स। सब में क्या रहता है? इलेक्ट्रिक मोटर। हम लोगों को पढ़ना यही है, जो हम लोग एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हम लोगों को कौन सा एसी कौन सा डीसी कैसे पावर कन्वर्ट, ये चीज पे फोकस होगा। फेड बाय ड्यूअल थर्ड रेल्स कॉन्टेक्ट वायर्स इलेक्ट्रिफाइड चैनल्स अटैच टू और इंक्लोज्ड इन देयर गाइडेंस बीम। बट डीजल पावर मोनोरेल सिस्टम, डीजल पावर अब मतलब एग्जिस्ट है लेकिन चलता नहीं है, ये डीजल पावर पे अभी फोकस नहीं है, अभी सीधा सीधी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इलेक्ट्रिक मोटर्स पे ही फोकस किया गया है, ठीक है। तो ये है मोनोरेल, सिंगल बीम पे या तो स्ट्रेडल बीम पे रहेगा या तो सस्पेंडेड बीम पे रहेगा, दो कॉन्सेप्ट पे ये मोनोरेल चलता है। और बेसिकली इसको जो पावर प्रोवाइड्स की इलेक्ट्रिकली एनर्जी से ही इसको कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिकल मोटर्स का ही बेसिकली इसमें हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसके अंदर में क्या कन्वर्टर फन्वर्टर ये अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है। अभी ये मोनोरेल क्या होता है अब दिमाग में कम से कम थोड़ा तो आया होगा, ये मोनोरेल एक्चुअली दिखता कैसा है, इसी को बोलते हैं हम लोग मोनोरेल, ठीक है। थोड़ा थोड़ा प्रोजेक्ट इंडिया में शुरू हुआ है और जहां तक बात करेंगे फॉरेन कंट्रीज में ये मोनोरेल बहुत ज्यादा चलता है। ये तो हो गया मोनोरेल, है ना। लेकिन एक एक जो बात करेंगे ये मैग्नेटिक लेविएशन वैक्स, है ना, मैग्नेटिक लेविएशन वैक्यूम मैगलेव, ये वाला कभी कोई सुनी हो क्या? अच्छा कभी देखना, जब भी कभी भी तुम एक दो मैग्नेट को जैसे नॉर्थ नॉर्थ है ना, दो मैग्नेट को कभी भी यदि तुम एक साथ में ले जाओगे, जब एक ही पोल का नॉर्थ 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 नॉर्थ, तो ये कभी सटेगा क्या? ये कभी सटना नहीं चाहेगा, ये हमेशा क्या कहेगा? दूर भागेगा। ये हमेशा क्या होता है? दूर भागता है। कभी भी ये जो है कि सेम नेचर का वो अट्रैक्ट नहीं करेगा।
तो मैग्नेटिक लेविएशन में भी यही होता है, इस टाइप का एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, जो कि ट्रेन को मतलब बोला जा सकता है कि 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ट्रैक से ऊपर, जैसे ये ट्रैक है, ये ट्रैक है, इस ट्रैक से 10 सेंटीमीटर ऊपर पे तुम्हारा ट्रेन चलेगा। इस ट्रैक के इसमें जो है कि 10 सेंटीमीटर मतलब सोचो वो हवा में रहेगा ट्रेन। बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट यही है, ठीक ना, जो हाई स्पीड ट्रेन का हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये जो मैग्नेटिक लेविएशन वैक्यूम्स, ये जो है क्रांति है, यही तो रेवोल्यूशन। ये डेवलप करने में खर्चा भले है लेकिन इसका स्पीड बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक लेविएशन व्हीकल, तो ये जो कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक लेविएशन सिस्टम ऑफ ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन दैट यूज ए टू सेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, वन सेट टू रिपेल एंड पुश द ट्रेन ऑफ द ट्रैक एंड अनदर सेट टू मूव द इलेवेटेड ट्रेन अहेड, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द लेक ऑफ फ्रिक्शन, सच ट्रेन्स राइज अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर इन ऑफ द ट्रैक। अब जाहिर सी बात है कि पटरी से सटेगा ही नहीं, तो फ्रिक्शन ये सब तो लॉस होगा नहीं। अब जब ये सब लॉस नहीं होगा तो इसका स्पीड तो सबको समझ में आ रहा होगा कि क्या स्पीड होगा। अभी ये सब डेवलप्ड में चल रहा है, खासकर जापान और जर्मनी सब में तो बात अलग है, लेकिन इंडिया में अभी तक ये ट्रेन अभी तक हम लोगों का रूट स्टार्ट नहीं हुआ। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, इसमें जो बेसिक फिजिक्स समझ में आ रहा है कि रिपेल करेगा, कि वो रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो वो ट्रैक्स उसको ऊपर चढ़ा के रखेगा, ऊपर चढ़ा के रखेगा। मैग्नेटिक लेविएशन जो है, मैग्नेटिक लेविएशन का जो कॉन्सेप्ट है वह इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेटिक लेविएशन, इलेक्ट्रो मैग्नेट, ठीक है, इलेक्ट्रो मैग्नेट। मैग्नेटिक लेविएशन क्या है, ये सिंपल फिजिक्स का जो बेसिक जो है हम लोग जान रहे हैं कि जो मैग्नेट का जो रिपल्सन, इलेक्ट्रोडायनेमिक सिंपल सस्पेंशन, और ये जो मैग्लेव टेक्नोलॉजी है ना, ये जो इसका जो बोलेंगे बेसिकली दो टाइप में इसको हम लोग डिवाइड किया गया है, दो टाइप, जो मैग्नेटिक का जो टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली दो टाइप में डिवाइड किया गया, मतलब टू टाइप्स में इसको हम लोग नाम दिया गया है, टू टाइप्स में। पहला क्या था, पहला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंस, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक सस्पेंशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन, ये सब डिटेल समझेंगे हम लोग धीरे धीरे, अभी मेन टॉपिक को समझते हैं। और एक था इलेक्ट्रोडायनेमिक सस्पेंशन, इलेक्ट्रोडायनेमिक सस्पेंशन, सस्पेंशन इसमें क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट, इसमें क्या होता है ना, जो इसमें देख रहे हो इसमें स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट का यूज करते हैं। मैग्नेट का कॉन्सेप्ट जो है ना, वही कॉन्सेप्ट पे ही यहाँ पर मैग्नेट का जो सिंपल थ्योरी जानते हो उसी थ्योरी पे ही जो है कि ये सब काम करता है। मैग्नेट का जो बेसिक थ्योरी है, स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट्स दैट क्रिएट्स ए मैग्नेटिक फील्ड विच इंड्यूसेस करेंट, है ना, देयर मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर, सो व्हेन देयर इज रिलेटिव मूवमेंट देन इट पुशेस एंड पुल द ट्रेन टुवर्ड द डिजाइन लेविएशन पोजिशन। ये कॉन्सेप्ट, मतलब तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट रेडी होगा, स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट रेडी होगा, करंट इंड्यूस करता है जो मेटालिक कंडक्टर्स जो हो यहाँ पर होगा, और एक रिलेटिव मूवमेंट पैदा करता है ट्रैक के बीच में और ट्रेन के मूवमेंट के बीच में, जो कि उसको खींचेगा, है ना, उसको पुश करेगा, उसको पुल करेगा आगे की ओर पीछे की ओर, उस तरह से उसको डिजाइन किया गया है। ये मैग्नेटिक लेविएशन, ये सिंपल यहाँ पर एक स्लाइड में समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैग्नेट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि ट्रेन में क्या यूज होता है। तो ट्रेन में दो टाइप का होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक सस्पेंशन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक सस्पेंशन, ठीक है।
तो यहां तक हम लोग समझे हैं जो बेसिक जो है कि ट्रैक्शंस का जो बेसिक मीनिंग है। एक मिनट, जो ट्रैक्शंस का जो बेसिक मीनिंग है, ठीक है,